अंकित, एचओडी सर बुला रहे। कुछ बातें बीती हुई, कुछ पल बीते हुए, हर गलती का एक नया बहाना और फिर सबकी नजर में। एग्जाम की पूरी रात जगना, फिर भी सवाल देख के सर खो जाना। मौका मिले तो क्लास बंक करना और फिर दोस्तों के साथ कैंटीन जाना। उसकी एक झलक देखने के लिए रोज कॉलेज जाना और उसको देखते ही देखते अटेंडेंस भूल जाना। हर पल है जिंदगी एक नया सपना, आज जो टूटे फिर भी है अपना। ये कॉलेज के दिन, इन लम्हों में जिंदगी जी भर के जीना, याद करके इन पलों को फिर जिंदगी भर मुस्कुराना। एक ओर खाली रूम और दूसरी ओर सवालों से भरा मेरा दिल। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ में एक बार ही लिए जाते हैं। जब मेरा टाइम है तो मैं भी खड़ा था दो मोड़ पर। 3 साल डिप्लोमा करने के बाद यहाँ पहुंच गया था, बट वॉज इट वर्क, आई डोंट नो। पर इन सब बातों के बीच एक बात मेरी एसिडिटी बढ़ा रही थी कि वो 3 कमीने रूममेट्स है कौन, जो मेरी रूम ही नहीं मेरी जिंदगी भी शेयर करने वाले थे। ये था ऋषभ, ग्रुप का सबसे शांत लड़का। ये था तो शांत, बट नजर हमेशा लड़कियों पर रहती थी। और ये था प्रतीक, ग्रुप का सबसे टैलेंटेड लड़का। एक बात थी, ये सोचता हमेशा उल्टा ही था, बट रहता हमेशा करेक्ट ठीक। ये देखो, यहाँ भी सोच रहा है कि पीछे से जाता हूँ। थोड़ी बहुत प्लानिंग करने के बाद पहुंच गए थे कॉलेज और फिर कॉलेज से क्लास। क्लास जाते ही हमेशा की तरह पकड़ लिया था लास्ट बेंच। वैसे तो बचपन से ही मम्मी पापा बोलते थे, बेटा पहले जाके फर्स्ट बेंच ही पकड़ना। फर्स्ट टू टेन तो ठीक था, बट उसके बाद पता चला जो मजा लास्ट बेंच में वो फर्स्ट और सेकंड में कहा। फिर कर दी इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट। तभी लेक्चर में पता चला जितने भी लास्ट बेंचर है वो सब डिप्लोमा होल्डर है। प्रणव, एक ये था, मिलते ही लगा था 3 इडियट्स मूवी से इंस्पायर है। लाइफ इसकी 3 इडियट्स के तराजू रस्तों की जैसी थी। करना इसे बहुत कुछ था, बट कैसे करे यही नहीं पता था। एंड यू थिंक वेयर आई एम, इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। यू तो हम आए थे डिप्लोमा करके, लगता था हमें इंजीनियरिंग का बहुत नॉलेज है, बट एंट्री करते ही पता चल गया था यहाँ की कंडीशन ही कुछ और है। नए नए आए थे तो टेंशन तो बहुत था, फिर भी एक आरजू थी दिल में कुछ तो करके दिखाने की। फिर क्या, सोचा था 1-2 दिन एंजॉय करेंगे, बट तभी पता चला कि नेक्स्ट वीक से एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है और 2 हफ्ते बाद फाइनल एग्जाम। टाइम तो वैसे भी कम था, कैसे तो भी जुगाड़ करके कैंटीन में बैठ के फाइल्स और असाइनमेंट कंप्लीट कर दिए और फिर लास्ट डे पर कैसे तो भी हो गया हमारा एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। अब टाइम था पढ़ाई करने का। 4-5 दिन टाइम पास में कैसे गए पता ही नहीं चला, बट 2 दिन पहले लगा, अब तो पढ़ ही लेते हैं। फिर निकाल लिए नोटबुक्स, पढ़ा तो बहुत कुछ।
लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। फिर अपना एक ही गुरु बचा था, गूगल गुरु। किया टाइप थर्मोडायनामिक्स और निकाल लिए नोट्स ऑनलाइन। बट तब तक बहुत टाइम हो गया था, एग्ज़ाम में सिर्फ 8 आवर ही बचे थे। बहुत सोचा, 8 आवर्स 8 चैप्टर। ऐसे ही एग्ज़ाम तो हो गई, तभी हमेशा की तरह सोचा नेक्स्ट टाइम पहले से पढ़ूंगा। कुछ दिन बाद लग गया रिजल्ट ऑन नोटिस बोर्ड। फिर से स्टार्ट हुआ कॉलेज, फिर लेक्चर और वही सब। देखते थे लेट नाइट मूवीज और सोते थे क्लास में। कभी सर हमसे क्वेश्चन पूछते थे तो कभी हम पूछकर परेशान करते थे। कभी कभी तो डांट भी पड़ जाती थी। और एक बंदा था जो रोज लेट उठता था और कॉलेज भी लेट आता था। रोज बेचारे को डांट पड़ती थी। रीजन बताओ भाई, और आपका फायदा ले लिया है ना आपका टिकट ले रही। प्रॉपर यूनिफॉर्म एक दिन ऐसा आया कि क्लास में चालू था इम्पोर्टेंट लेक्चर और हम कर रहे थे मस्ती। उस दिन सर ने हमें इतना डांटा कि बात दिल पर लग गई। पता तो था कि डाटा हमारे फायदे के लिए, फिर भी हर्ट तो हुआ था यार। कभी भी लेट आते हो, कभी भी अपना चालू कर देते हो, क्या करूंगा आप लोगों को? ये पानी उसको बांट रहा है, वो उधर से पिला रहा है, ये क्लास में कौन ध्यान देगा? डिस्टर्ब करते रहते हो, क्लास में ध्यान नहीं रहता है, लेट आ जाते हो, ये उसको पानी मिल रहा है, ये उसको पानी मिल रहा है, और आप लोग बैठो बाकी के नीचे बैठो। बताओ क्यों हंस रहे थे आप लोग? अरे भाई आप लोग मदद कर रहे हो, मैं आप लोग एक तो सीरियस नहीं है अपने क्लास के बारे में, अपने करियर के बारे में सीरियस नहीं है,
क्लास नोट्स नहीं है आपके पास, पेंसिल नहीं रहता है, हर बात का रहता है आप लोगों को, कुछ सीरियसनेस है कि नहीं आपके? अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे पढ़ोगे? समझ में नहीं आता इतनी बार। एक तो आपके पेरेंट्स आपको इतना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते, या आपका या करा आपने क्या पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देते, खुद भी पढ़ाई नहीं करते, दूसरों को नहीं करने देते। मैंने तो आपको नहीं देखा कभी कॉलेज में, फर्स्ट डे कॉलेज में। फिर रेगुलर है? मैंने तो नहीं देखा। और ये किससे लिख कर लाया आपने? मैंने कुछ नहीं सिर्फ लिखा है कि परफॉर्म भी किया। परफॉर्म किया? अच्छा, सही में किया आपने? एक ही बैंड है आपके पास? अच्छा, फिर कल से आप यूनिफॉर्म में चाहिए, और ये रिकॉर्ड कर जब यूनिफॉर्म पहन के आओगे तब लेकर आना और पढ़ के आओ। मैं आपको कोई भी एक एक्सपेरिमेंट पूछूंगी, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और परफॉर्म भी करना पड़ेगा, ठीक है? ख्वाहिशें हजारों ले आया था घर से, सिंगिंग के ऑडिशन से रिजेक्ट हुआ हूँ, लाइफ के ऑडिशन से नहीं। और ऑडियो में एक परफॉर्मेंस देने के लिए 3 साल रुकने का सबर अब मुझ में नहीं। ऑडियो में एक परफॉर्मेंस तो देके रहूंगा, चाहे वो बिना ऑडियंस के क्यों ना रहे। के लिए 6 साल मेहनत की थी, वो हासिल करने का टाइम आ गया था, जब हमारी इंटरव्यू के साथ साथ प्रोजेक्ट की भी तैयारी चल रही थी। ऐसा कुछ बनाना था जिससे पूरे कॉलेज का नाम हो। फाइनली हमने कुछ ऐसा कर भी लिया जिससे पूरा कॉलेज प्राउड करे। इतनी मस्ती, एंजॉय और सब कुछ करने के बाद भी टॉप कंपनी में हमारा मींस चारों का सिलेक्शन भी हो गया। किसी के हाथ में एक भी जॉब ऑफर नहीं था और हमारे पास 2-3 ऑप्शन पड़े थे। बुरा भी लग रहा था लेकिन खुद पे प्राउड भी था। Yes.
घर वालों की तो ख्वाहिशें पूरी की थी। उन्होंने जितना पैसा लगाया था हमारे पढ़ाई पे वो तो निकाल ही लेंगे, ये नहीं तो उस तानों से तो बच ही गए जो जॉब ना लगने पर घर वालों से ज्यादा पड़ोसी और रिश्तेदार देते हैं। और प्लेसमेंट की बात, घर वालों की बातों से ये तो क्लियर हो गया कि उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए रहता, दे ओनली वॉन्ट्स मेरा बेटा अच्छे से सेटल हो जाए। या नाउ कमिंग टू द टॉपिक, ये ट्रॉफी हमें उसी प्रोजेक्ट और सिलेक्शन के लिए मिली थी जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी। लास्ट में किसी से नहीं बट उस सर से जरूर मिलेंगे जिसने हमें डांटा था कि हमारी लाइफ ही चेंज होगी। सो गाइस, ये थे हमारे वो 3 अनफॉरगेटेबल साल जिससे हम पूरी लाइफ नहीं भूल सकते।